वो समय रहा होगा। चुप तो संविधान निर्माताओं से हो गई, लेकिन मैं कमेंट करने की हैसियत में नहीं। मौलिक अधिकार उन्होंने जोड़ दिए, कर्तव्य की चिंता नहीं की, इस नाते नहीं की। इतनी लंबी गुलामी के बाद देश आजाद हुआ था, उन्हें लगा कि यहाँ के पैदा होने वाले लोगों के खून में कर्तव्य होगा, यह तो चार छह पीढ़ी चलेगा ही चलेगा। उन्हें क्या पता था 47 का आजाद देश 77 तक आते आते इमरजेंसी में झेलनी पड़ेगी उसे। तो इस नाते जिम्मेदारी अगर नए लोगों को दी जाए तो बेहतर हो। प्रौढ़ शिक्षा में हमने देखा अपने बचपन में किताबें और लालटेन बटी गांव में, और पैदा होने वाला बच्चा स्कूल नहीं गया, तो जिनको हम लालटेन बांट रहे तो 10 साल में देश खाली कर गए, और जो पैदा हुआ वो 70 साल के लिए इस देश में निरक्षर हो गया। तो इस नाते में जिम्मेदारी देता हूं, अगर हमारे प्राण अंबेडकर ये बच्चे बन जाए कि घर से निकलते ये खुद अपने ठीक कर दे। अभी चिंता करें, यहां तमाम बच्चे टोपी लगाए बैठे, ये सब चिंत करेंगे कि हम भी बाइक पे चलेंगे। अभी हिंदुस्तान के कानून से आपको बाइक लेके निकलने की अनुमति नहीं, आप 18 साल के नहीं। और भैया दीदी मम्मी पापा घर से निकलते हो तो चाबी ले लीजिए, भैया नो हेलमेट नो की, अगर हेलमेट नहीं है तो बाइक पर नहीं जाओगे, चाबी मैंने रख लिया। दीदी विदाउट सीट बेल्ट नो की, पहले सीट बेल्ट लगाओ तब मैं की दूंगी। अगर ये हमारे बेटे बेटियां ब्रांड एम्बेसडर बन जाए तो बेहतर होगा, और हम बहुत सारी चीजें जो हम अपने से नहीं सुधरते हैं अपने बच्चों के नाते सुधर जाते हैं। हम भी बच्चे के बाप हैं, तो बचपन हमें लगता था कि बच्चों से कैसे लोग सुधर जाते हैं, ये गलत बात है। लेकिन अब चूंकि जब हम बाप हो गए हमें लगता है बच्चे से कैसे सुधर जाते, तो अगर बच्चे सुधारने का प्रयास कर दें, बच्चे हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, चुप है आवाज नहीं निकल रही, तो अगर तुम ये कर लोगे घर से बेटा बेटियों कि बिना हेलमेट के चाबी भैया दीदी लेके नहीं जाएंगे, मम्मी पापा लेके नहीं जाएंगे, बिना सीट बेल्ट के चाबी नहीं पाएंगे, तो मुझे लगता है आज ये स्मृति दिवस जो उन लोगों की याद में हम एकत्र हुए हैं जिनका कोई संभावना तो दूर तक नहीं थी कि ये शाम तक घर नहीं है और नहीं है, जिनके उस काल कौलित हो जाने के नाते बूढ़े मां बाप की दवाई बंद हो गई, स्कूल जाते बच्चे वापस आ गए उनकी पढ़ाई बंद हो गई, तो शायद बेहतर होगा कि उस श्रृंखला में हमने कुछ और नाम जुड़ने से रोक, और जब रोक लिए तो हमारी सार्थकता है, तब इस समय की सार्थकता है कि सुबह सुबह हम सारे लोग अपने और सारे काम छोड़ करके एकत्र हुए और हमने एक पीस मार्च निकाला, हमने उनको श्रद्धांजलि दी, उनकी आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की, लेकिन हमने कुछ आगे भी ऐसा किया जिससे कि वो चेन छोटी हो रही, उसमें कोई नए लोग नहीं बने। इन्हीं सपनों के साथ मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे यहां बुलाया, और इस पवित्र कार्य में उन्होंने बुलाया था, इसी नाते मुझे लगता है मेरी छुट्टी साहब को कैंसिल हो गई। मैं मानता हूं